إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़कत फ़ाजफन अजीम हर तरह की तारीफ उसबालमीन के लिए लाइक और जेबा है जो सारे जहाँ का अकेला खालक है मालिक है हाकिम है रज़ है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है और जो अपने अरश पर होते हुए पूरी कायन का निज़ाम चला रहा है बाद हो उसके तमाम नबियों रसूलों पर सलाम नाजिल हो, खूस आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी नबी आखिरी रसूल आखिरी पैगंबर बनाकर इस दुनिया के लिए भेजे गए जिनके बाद अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है मोहतरम हाजरीन इससे पहले जुमा के खुतबात में मौत का मंजर और क़बर की ज़िंदगी इन दो अहम दोन पर ख़ुतब जुमा आप सुन चुके हैं मैंने मुनासिब समझा कि इसके बाद कयामत के ताल्लुक से कुछ तस्करा किया जाए इसलिए आज के जुमा के ख़ुतबे के लिए मैंने जिस मौजू को मंतखब किया है वो है कयामत कब आएगी मुसलमानों का कादा है कि एक दिन आएगा कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी सारे के सारे इंसान जानवर चरिंद, परिंद सब ख़त्म हो जाएंगे ये ज़मीन और आसमान का वजूद ख़त्म हो जाएगा अल्लाह ताला दूसरी ज़मीन बनाएगा वो कयामत का मंज़र होगा अल्लाह के नबी सल वम नेमत के तल्ल से बहुत सारी बातें बताई और अल्लाह तबारक व तौने मजीद में भी इसका कई जगहों पर तस्करा कयामत ये यकीनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़यामत का तस्करा करते थे तो कुफार और मुशरिकीन पूछते थे कि ये क़यामत आएगी कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये सवाल किया गया तो अल्लाह तबारक वाले ने वही करके अल्लाह के नबी नबीसम को बताया सुर आराफ की आयत है आयत नंबर एक सौ सतासी यस अलू न का अनस्सा आह लोग आपसे कयामत के मुतालिक पूछते हैं अया न मुरसाहा कि ये कयामत कायम कब होगी कुल आप कह दीजिए इन्नमा इल्मुहा इलमा इन दब्यामत का हकीकी इल्म के पास है। किसी इंसान को नहीं मालूम है कि कयामत कब आएगी इसी तरीके से हदीस जिब्राइल, जो वलमा के दरमियान हदीस जिब्राइल के नाम से मशहूर है इस हदीस को हदीस जिब्राइल इसलिए कहते हैं कि हजरत जबरील अलाम इंसानी शक्ल में आए साहबा कहते हैं कि हम लोग वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे एक शख्स नमोदार हुआ बिल्कुल सफ़ेद पोशाक में उसके चेहरे से और उसके कपड़ों से सफ़र के आसार नुमाया नहीं थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसम के सामने बिल्कुल आकर बैठ गया यहाँ तक कि आपके घुटनों से अपने घुटने लगा लिया और उसने चार सवाल किए पहला सवाल किया ईमान के मुतालिक, हमारे नबी वम ने ईमान की तफसील उसको बता दी तो उसने कहा आपने सही कहा उसके बाद हैरत जबरील ने इस्लाम के मुतालिक पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की भी तफसील बता दी तो हज़रत जबरील ने कहा कि आपने सही कहा फिर एहसान के मुतालिक पूछा कि एहसान क्या है तो हमारे नबी ने एहसान के मुतालिक भी बता दिया तो हज़रत जबरील ने कहा सही कहा फिर सवाल किया चौथा क़यामत कब आएगी तो अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया कि जिससे सवाल किया जा रहा है सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता यानी कयामत कब आएगी इसके बारे में जो आप जानते हैं वही मैं भी जानता हूँ इसके बारे में हमें भी ज़्यादा इल्म नहीं है जब जबरील चले गए साहबा को मालूम नहीं हुआ कि ये हत जबरील थे क्योंकि इंसानी शक्ल में थे। सहाबा आए थे साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल ये कौन शख्स था जो खुद ही सवाल करता था ख़ुद ही तस्दीक भी करता था तो आपने फ़रमाया ये जिब्रील थे जो तुमको दीन का इल्म सिखाने आए थे इसीलिए इस हदीस को हदीस जबरील कहा जाता है क़यामत के मुतालिक जब हज़रत जिब्रील ने पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिससे पूछा जा रहा है पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता अलबा उसकी कुछ निशानियाँ से, से मुस्लिम की हदीस है उसकी कुछ निशानियों का जिक्र किया इस हदीस में जिन निशानियों का ज़िक्र किया गया है वो ये है कि लाउंडी अपने आका आका को जनेगी नंगे पाँव चलने वाले नंगे बदन चलने वाले फकर बकरियों के चराने वाले इमारतें बनाने में एक दूसरे पर सबकत करने की कोशिश करेंगे लाउंडी अपने आका को जनेगी इसके वलमा ने कई अकवाल पेश किए तमाम का पेश करना यहाँ मुनासिब नहीं है अलबत्ता दो बातें इस सिलसिले में आपके सामने मैं गोश्त गुजार करूँगा लौंडी अपने आका को जनेगी इससे मुराद है कि एक औरत जिसके गोद में बच्चा होगा और कैफियत ऐसी हो जाएगी कि वो दोनों अलग हो जाएंगे जैसा कि उनदुलस के सरज़मीन पर हुआ औरत अलग हो गई दूध पीता हुआ बच्चा अलग हो गया बच्चा जवान हुआ औरत अलग हो गई औरत ने ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारी लौंडी बनाकर उसको बेचा गया फिर वही शख्स अपनी माँ को ख़रीद लिया उसे मालूम नहीं कि यह उसकी माँ है प्यारे नबी वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि लौंडी अपने आका को जनेगी अब उसका बेटा आका हुआ ये क्या हो गई लौंडी हो गई ना बेटे को मालूम है कि ये मेरी माँ है ना माँ को मालूम है कि ये मेरा बेटा हालात ऐसे रूनुमा होंगे और ऐसा हो चुका है उन दुलुस की सरजमीन में और बहुत सारी जगहों पर अल्लाह के वसल्लम की ये हदीस इस पर बिल्कुल साबित होती है कि लौंडी अपने आका को जनेगी इस सिलसिले में दूसरा एक कौल जो बहुत मुनासिब है वो ये है कि लोग अपनी माँओं के साथ लौंडियों जैसा सलूक करेंगे एक आका अपनी लौंडी पर कैसा ता है उससे किस कदर काम लेता है आप सोच सकते हैं आज जिस दौर में हम गुज़र रहे हैं घर घर की कहानी है मियाँ बीवी जवान बैठे रहते हैं आराम करते रहते हैं उनकी बूढ़ी माँ उनकी खिदमत करती है चाय पका कर लाना नाश्ता तैयार करके पेश करना खाने लगाना एक बूढ़ी माँ लौंडी की ज़िंदगी गुजार रही है और बेटा और उसकी बीवी ये दोनों आराम के साथ ज़िंदगी गुजार ऐसे हालात हम देख रहे हैं और हमसे ज़्यादा आप देख रहे हैं तो ये है लौंडी अपने आका को जने ऐसे हालात जब पैदा हो जाएं, तो इसका मतलब क़यामत करीब हो चुकी है। कयामत की एक निशानी जाहिर हो चुकी है इस हदीस में जो दूसरी निशानी प्यारे नबी ने बताई वो ये कि नंगे पैर चलने वाले नंगे बदन रहने वाले जिनके पैरों में चप्पल और जूते नहीं होते थे जिनके बदन पर कपड़े नहीं होते थे बकरियाँ चराने वाले फुकरा ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में फ़ख्र महसूस करेंगे आप जानते हैं इस वक्त पहले ज़माने में जिनको कोई इंसान नहीं समझता था जो मुफलसी की ज़िंदगी गुजारते थे जो बकरियों के रेवड़ के साथ जंगलात में रहते थे आज दौलत की कसरत ने उनको कहाँ पहुँचा दिया आज हमारी बिल्डिंग तेरी बिल्डिंग से ऊंची है हमारी इमारत तेरी इमारत से अच्छी है वो लोग जिनके बदन पे कपड़े नहीं थे वो लोग जिनके पैरों में चप्पल नहीं थे नंगे बदन नंगे पैर रहने वाले आलिशान इमारतों में रहेंगे और बनाने में फ़ख्र महसूस करेंगे हम जानते हैं कितने लोग लोगबत व अफलास की ज़िंदगी गुजारते थे अल्लाह ने उन्हें आज नवाज़ दिया और हमसे ज़्यादा आप भी जानते तो ये दो बातें अल्लाह के नबी वसल्लम ने हदीस जबरील में जिक्र की हैं सही बखारी सही मुस्लिम की एक और हदीस है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कियामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि रब्बानी उलमा ख़त्म हो जाएंगे अल्लाह वाले अल्लाह से डरने वाले उलमा ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह तबारक इल्म को ऐसे ही नहीं उठाएगा जो गहरा इल्म रखते हैं जो पुख्ता इल्म रखते हैं जिनको किताब व सुन्नत की गहरी मालूमात है अल्लाह तबारक तआला उनको मौत दे देगा इस तरीक़े से अच्छे अच्छे वलमा उठा लिए जाएंगे और उन वलमा के साथ इल्म भी उठ जाएगा हम देख रहे हैं किस कदर रब्बानी वमा ख़त्म होते जा रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस बिल्कुल साबित हो चुकी है अहले इल्म उठते जा रहे हैं वलमा की किल्लत हो गई है बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे जो जिनके जुब्बे को जिनके दस्तार को जिनकी टोपियों को जिनकी पगड़ियों को देख करके आप उनको अल्लामा समझ रहे हैं हालांकि उनके पास कुछ भी इल्म नहीं होता और आप देखते हैं बहुत कम उलमा हैं जो किताबों सुन्नत की बातें करने वाले हैं आज मम्बर रसूल से किस्से और कहानियाँ सुनाई जाती हैं बुज़ुर्गों के वाकयात सुनाए जाते हैं वलियों के करामा बताए जाते हैं क्यों उनके पास दीन का इल्म है ही नहीं उन्होंने दीन पढ़ा ही नहीं उन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं उन्होंने कुरान की तफसीर नहीं पढ़ी उन्होंने नबी की हदीसें नहीं पढ़ी कुरान पढ़ा तो सिर्फ़ सवाब के लिए हदीसें पढ़ी तो सिर्फ़ बरकत के लिए प्यारे नबी अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खुतबा बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बोलने वाले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन फोकहा बहुत कम रह जाएंगे दीन का गहरा रखने वाले बहुत कम हो जाएंगे तो कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि रब्बानी उलमा ख़त्म हो जाएंगे हालात ऐसे होंगे कि लोग जाहिलों को अपना इमाम बना लेंगे और वो जाहिल होंगे उनको इकतदार मिलेगा उनको कुर्सियाँ मिलेंगी उनको इमारतें मिलेंगी इल्म तो उनके पास होगा नहीं लोग उन्हीं से मसला पूछेंगे तो वो ख़ुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे मेरे भाइयों की कमी और जाहिलों को इकतदार मिलना ये क़्यामत की निशानियों में से है आज फतवे जो दिए जा रहे हैं वो किताब व सुन्नत की बुनियाद पर नहीं आज फतवे लोगों की मर्जी के मुताबिक दिए जा रहे हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कियामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है इसी तरीके से सही बुखारी सही मुस्लिम की एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन ग्यारह निशानियों का जिक्र किया हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला हदीस के रावी हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से है कि दो जमातें आपस में लड़ेंगी दो बड़ी जमातें आपस में लड़ेंगी और दोनों का ये दावा होगा कि वह हक पर हैं वलमा ने लिखा है कि यहाँ से मुराद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला तैन और हजरत अमीर मुआविया की जंग है ये दोनों मुसलमान हैं सहाबी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से डायरेक्ट इन्होंने फैज़ हासिल किया है लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों के दरमियान जंग हुई जिसको जंग सिफीन कहा जाता है जिसमें हज़ारों मुसलमान मारे गए दोनों तरफ मुसलमान हैं दोनों तरफ सहाबी हैं एक तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तैन नहो हैं जिनका मकाम कितना ऊंचा है आप जानते हैं एक तरफ हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तैाल हैं जिनका मकाम कितना ऊँचा है आप जानते हैं प्यारे नबी ने फरमाया कि दो बड़ी जमातें आपस में टकराएंगी दोनों का ये दावा होगा कि वो हक पर हैं और इन दोनों के टकराव में बहुत सारे मुसलमान कत्ल कर दिए जाएंगे बहुत सारे सहाबा जंग सिफीन में शहीद हो गए अल्लाह के नबी वसल्लम की ये पेशीन गोई भी पूरी हुई इसी तरीके से अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि वक्त क़यामत के करीब तकरीबन तीस दज्जाल पैदा होंगे कज्ब होंगे वो ये दावा करेंगे कि वो नबी हैं लेकिन मैं आखिरी नबी हूँ मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा नबी सु के ज़माने से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था मुसलमा कजाब सज़ाह बिन तिहारिस असबद अंसी और माज के करीब में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ऐसे कितने लोग खड़े हुए जिन्होंने नबूवत का दावा किया बहुत सारे लोगों ने उनको नबी मान भी लिया और उनकी तादाद भी बढ़ी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशीन गोई है क़यामत की निशानियों में से निशानी है कि तकरीबन तीस दज्जाल पैदा होंगे कज़ाब होंगे ये दावा करेंगे कि वो नबी हैं हालांकि मैं आखिरी नबी हूँ मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा तीसरी बात उस हदीस में जो जिक्र की गई वो ये कि इल्म उठा लिया जाएगा जैसा कि मैंने ज़िक्र किया चौथी बात आपने फरमाई कि जलजले कसरत से आएंगे आज जलजलों का दौर चल रहा है अभी बिल्कुल करीब ही में दिल्ली में और इसी तरीके से नेपाल वगैरह के इलाकों में जलजले आए और इससे पहले भी ए, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजले आए थे जापान का जलजला लातूर का जलजला उस्मानाबाद का जलजला गुजरात का जलजला हमारे मुल्क में कितने जलजले आए कितनी फलक बोस इमारतें ज़मीन में धंस गईं और कितने लोग तबाह बर्बाद हो गए कितने लाखों करोड़ों की मिलकियत बर्बाद हो गई ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं आपने फरमाया किमत की निशानियों में से है कि जलजले कसरत से आएंगे इसी तरीके से इस हदीस में पांचवी निशानी ये बताई गई है कि वक्त मुतकार हो जाएगा यानी करीब करीब हो जाएगा वक्त की बरकत ख़त्म हो जाएगी मेरे भाइयों वक्त कम नहीं होता चौबीस घंटे का दिन और रात पहले भी था आज भी है लेकिन बरकत ख़त्म हो जाएगी ऐसा लग रहा था कल जुमा था आज फिर जुमा आ गया साल कैसे गुजर जाएगा रमज़ान कैसे आ जाएगा ईद कैसे आ जाएगी हम सोचते नहीं सोचते सोचते हफ़्ता गुजर जाता है महीना गुजर जाता है साल गुजर जाते हैं देखते ही देखते बच्चे जवान हो जाते हैं जवान बूढ़े हो जाते हैं प्यारे नबी ने फरमाया कि वक्त मतारिब हो जाएगा ज़माना करीब करीब हो जाएगा हालात बहुत जल्दी गुजरते जाएंगे आदमी को एहसास भी नहीं होगा और आज हम सब इस बात को महसूस कर रहे हैं छठी बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जिक्र की वो ये है कि फितनों का जोहर होगा ये फितने ये दौर फितनों का दौर है अगर उन इन फितनों पर गुफ्तगु की जाए तो कई खुतबात हो सकते हर जगह फितना हर मकाम पर फितना फितनों से ना कोई जगह खाली है ना कोई मकाम खाली तारे नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने इस कदर रूना होंगे कि एक फितना ख़त्म होगा तो इंसान सोचेगा कि ये फितना टल गया तो हमको राहत मिलेगी लेकिन यह फितना ख़त्म नहीं होगा कि दूसरा फितना फिर पैदा हो जाएगा सुबह का एक फितना होगा शाम को एक फितना होगा लोग फितनों में इस कदर मुबला होंगे कि इंसान को अपनी ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा प्यारे नबी ने फरमा युस बिहो रजुल व युमसी का फिरन औम सी ममिनन वह युस बिहू का फिरन ये भी ओ दीन ब्यात दुनिया आदमी सुबह को मोमिन रहेगा शाम को काफिर हो जाएगा शाम को मोमिन रहेगा सुबह को काफिर हो जाएगा फितने इस कदर रूनमा होंगे अपने दीन को दुनिया के बदले में बेच देगा मेरे भाइयों अल्लाह तला हम सबको फितनों से महफूज रखे तो फितने फितनों का जहूर होगा कत्ल आम हो जाएगा कत्ल खोरेजी गारत गरी आम हो जाएगी और कत्ल किस क़दर आम है जंगें कैसी हो रही हैं ये हमसे ज़्यादा आप जानते जो लोग मीडिया पर निगाह रखते हैं वो जानते हैं कैसी कैसी जंगें हो रही मुल्क के मुल्क तबाह हो जा रहे हैं बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी जा रही हैं इंसान के खून को बिल्कुल सस्ता समझ लिया गया है इंसान के खून से होलियाँ खेली जा रही हैं प्यारे नबी ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से है कत्ल आम हो जाएगा हज़ारों लोग बैक वक्त कत्ल कर दिए जाते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से ये भी फरमाया इसी तरीके से आठवीं बात जो आपने फ़रमाई क़यामत की निशानियों में से इस हदीस में कि माल की कसरत होगी आज भले ही आप रोते हों लेकिन माल बहुत है माल बहुत है लोगों के सामने लोग रोते रहते हैं लेकिन माल बहुत है माल की कमी नहीं है माल अल्लाह ने बहुत दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी मुझे याद आ रही है जिसमें आपने साहबा से फरमाया था मुझे आप पर मुफलसी का खौफ नहीं है मुझे डर है तो इस बात का कि तुम्हारे ऊपर दुनिया खोल दी जाएगी माल की कसरत होगी और माल इस कदर हो जाएगा कि यह तुम्हारे लिए फितना बन जाएगा आप वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया ले कुल्ले फितनतुन वो फितनतो उम्मती अलमाल हर उम्मत के लिए एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है माल की कसरत माल की वजह से आज क्या क्या हो रहा है माल की वजह से आज कितना कत्लो खून हो रहा है माल की वजह से कितना झूठ बोला जा रहा है माल की वजह से किस कदर दगाबाजी की जा रही है माल की वजह से किस कदर बदहली की जा रही है माल के लिए किस कदर एक दूसरे को धोखा दिया जा रहा है ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जो नौवीं बात बताई क़यामत की निशानियों में से लोग इमारतें बनाने में एक दूसरे पर फख्र महसूस करेंगे हम जानते हैं और आप भी जानते हैं एक नई इमारत बनती है नई इमारत लाखों रुपये लगे हैं बल्कि करोड़ों रुपये लग जाते हैं लेकिन उसका वास्तव सही नहीं है बेटे को पसंद नहीं है बहू को वो मकान पसंद नहीं है नई इमारत तोड़ दी जाती है लोगों का दिल रखने के लिए बच्चों को खुश करने के लिए नई नवेली इमारत तोड़ दी जाती है लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं एक इमारत बनाने में इंसान पूरी जिंदगी खपा देता आज कितने लोग हमारी इस मस्जिद में बैठे होंगे जिनके पास रहने के लिए खुद का अपना एक छोटा सा घर नहीं है लेकिन लोग नई इमारतें लाखों करोड़ों रुपए लगा करके बनाते हैं और अपने बच्चे का दिल रखने के लिए अपनी बीबी का दिल रखने के लिए नई इमारत को तोड़ देते हैं फिर दोबारा बनाते और इमारतें बनाने में एक दूसरे पर फख्र करेंगे कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इमारत अच्छी थी लेकिन भाई ने और अच्छी इमारत बनाई इसने तोड़ करके अपने भाई से अच्छी इमारत बनाई कि मैं तुझसे अच्छा हूं मैं तुझसे ज्यादा पोजीशन में हूं यह है हमारी हालत ये सब कयामत की निशानियों में से है। आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस हदीस में दसवीं निशानी एक आदमी एक दूसरे की कब्र से गुजरेगा और कहेगा कि काश ये कब्र वाला मैं होता यानी मैं मर गया होता तो अच्छा था ये फितने नहीं देखता इंसान ये तमन्ना करेगा इस हदीस की जो आखिरी निशानी है सूरज मगरब से तुलू होगा अभी तक तो है रोज़ सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि बताओ सूरज जब शाम को डूबता है तो कहाँ जाता है तो साहब कराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जवाब नहीं देते थे कहते थे अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं हमारे नबी ने फरमाया सूरज रोज़ाना अल्लाह के अर्श के नीचे जाके सजदा करता दूसरे दिन निकलने की इजाज़त चाहता है जब अल्लाह इजाजत देता है तो दूसरे दिन फिर निकलता है एक दिन आएगा अल्लाह कहेगा जहाँ से आया था वहीं वापस चला जा यानी मगरिब से डूब मगरिब में डूबता है मगरिब से निकलेगा प्यारे नबी फरमाते हैं वो क़यामत का दिन होगा लोग ईमान ले आएंगे कहेंगे अरे उठो देखो सूरज पश्चिम से निकला है पूरब के बजाय पश्चिम से निकला है तो लोग कहेंगे अरे अब तो क़यामत आने वाली है लोग ईमान ले आएंगे लेकिन उनका ईमान लाना उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुखारी की हदीस में ये ग्यारह निशानियाँ बताई हैं इसी तरीके से अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला तैन बयान करते हैं सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है कि प्यारे नबी ने फरमाया न फरमा इन निन इल्म क़्यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि किम कम हो जाएगा व या जहार जह जहालत आम हो जाएगी इम कम होगा तो जहालत बढ़ेगी वजहार ज़िना और ज़िना ज़ाहिर हो जाएगा ज़िना की कसरत होगी मेरे भाइयों ज़िना किस क़दर आम हो गई है आप जानते हैं शहरों में बाकायदा जनाकारी के अड्डे लगाए जाते हैं और उनको कानूनी हक़ दिया जाता है जना किस क़दर आम है एक अच्छे आदमी को टहलना घूमना भी मुश्किल हो गया व खमर शराब पिया जाएगा शराब किस कदर कसरत के साथ पिया जा रहा है और शराब की कैसी दुकानें खुलती जा रही हैं आप जानते हैं। व तकसरसा औरतों की कसरत होगी वह यकील और आदमी कम हो जाएंगे हत यकून लमसीना इमरातन अलमलवाद पचास औरतों के ऊपर एक ही आदमी निगहबान होगा जंग में मर्द लोग मार दिए जाएंगे औरतों की कसरत होगी एक एक आदमी पचास पचास औरतों की किफालत करेगा ये क़यामत की निशानी इसी तरीके से बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस है अबू मसाशरी रजियाल्ला तु कहते हैं एक ज़माना आएगा इंसान सोने का डला लेकर के निकलेगा ताकि किसी को सदका कर दे लेकिन माल की कसरत ऐसी होगी वो सोने का डला जो सदका के लिए लेकर के निकला है उसको कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा कहेगा नहीं भाई मुझे ज़रूरत नहीं है मुझे ज़रूरत नहीं है माल की कसरत हो जाएगी सोने का डला जो सदक़े के लिए निकलेगा उसको कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा प्यारे नबी वसल्लम फरमाते हैं औरतों की कसरत ऐसी होगी कि एक आदमी चालीस औरतों की किफालत करेगा इससे पहले हदीस में पचास और इसमें चालीस मतलब क्या है कि औरतों की कसरत होगी मर्दों की किल्लत होगी जंग में मर्द लोग मार दिए जाएंगे और मर्द कम होंगे यहां तक कि वक्त आएगा एक आदमी चालीस चालीस पचास पचास औरतों की किफ़ालत करेगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया बुखारी मुस्लिम की है आपने फरमायाल् तब न सो न मनका न कबलकुम तुम अपने, अपने से पहले जो उम्मतें गुजर चुकी हैं तुम उनकी पैरवी करोगे तुम उनकी पैरवी करोगे प्यारे नबी ने फरमाया शिबर बेशीबरिन, शिबर इन जरा अम्बे जरा इन एक, एक बालिश एक एक हाथ पिछली कौमों की पैरवी करोगे तुम पिछली कौम के डगर पर चलोगे प्यारे नबी ने फरमाया एक एक बालिश एक एक हाथ हतलू जुहरा जबिन यहाँ तक कि अगर कोई शख्स किसी गोह के सुराख में दाखिल हुआ होगा नदखल हो, तो तुम भी वहाँ दाखिल होगे, यानी तुम पिछली कौमों की पैरवी करोगे एक बालिश से एक बालिश एक हाथ से एक हाथ यानी कदम कदम पर उनकी पैरवी करोगे यहाँ तक कि पिछली कौमों में कोई किसी गोह की सुराख में गुजरा होगा तो तुम भी वहाँ घुसोगे साहबा ने फरमाया कालू या रसूल अल्लाह अल यहूदारा अल्लाह के रसूल ये पिछली कौमों से आपकी मुराद क्या है यहूद नसारा है काला फमन तो हमारे नबी ने फरमाया फिर और कौन है वजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में होनूद ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए आज हमारी शक्ल और सूरत यहूदियों की तरह है आज हमारा खाना पीना यहूदियों की तरह है आज हमारा लिबास यहूदियों की तरह है आज हमारे शादी ब्याह के रस्मों रिवाज यहूदियों नसारा की तरह से हैं हमने यहूदो नसारा के कौन से तरीके को छोड़ा प्यारे नबी ने फरमाया तुम यहूदों नसारा के डगर पर चलोगे आपने तो ये भी फरमाया यहूदी इकहत्तर फिरकों में बढ़ गए नशारा बहत्तर फिरकों में बढ़ गए तुम उनसे भी आगे जाओगे तिहत्तर फिरकों में बढ़ जाओगे यहूद नसारा को भी पीछे छोड़ दोगे मेरे भाइयों आज मुसलमानों की अक्सरियत यहूद नसारा के डगर पे है आज हमारा लिबास हमारा उठना बैठना हमारा खाना पीना हमारी तर्ज़ जिंदगी हमारे शादी ब्याह हमारे रस्म व रिवाज हमारे रहने सहने की स्टाइल मेरे भाइयों आज लोग मगरबियत के दिलदादा हो गए वजह में तुम हो नसारा तो तमदन में हो नोत ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए कयामत की निशानियों में से है कि मुसलमान अपने तशखस को खो देंगे अपनी तहजीब और सकाफत को खो देंगे ये तहजीब का यलगार है दुनिया चाहती है कि आप नाम के मुसलमान रहें लेकिन तौर तरीका आप यहूद नसारा का अपना लें और आज मर्दों को छोड़िए हमारी खातन आज हालत क्या है बेपर्दगी आम हो गई है शहरों में चलना फिरना आम हो गया है दुपट्टा नाम की कोई चीज नहीं रह गई है बेहयाई और बेशर्मी की सारी हदों को पार कर गई है आज यहूद नसारा को भी इस उम्मत ने पीछे छोड़ दिया प्यारे नबीसम ने फरमाया कि तुम जरूर बस जरूर यहूद नसारा के डगर पर चलोगे बालिश दर बालिश हाथ दर हाथ यहाँ तक कि कोई शख्स अगर किसी गोह के सुराख में दाखिल हुआ है तुम उसकी पैरवी करते हुए वहाँ भी दाखिल हो जाओगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया इल्म पर अमल नहीं किया जाएगा हजरत जियाद बिन नबीद रजी अल्लाह तुकी की मशहूर हदीर से इब ने माजा की अल्लाह के नबीसलम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि लोग इल्म पर अमल नहीं करेंगे इल्म उठ जाएगा तो हजरत जियाद बिन नबीद ने कहा कि अल्लाह के रसूल इल्म कैसे उठ जाएगा हमने कुरान आपसे सीखा है हम अपने बच्चों को सिखाते हैं हमारे बच्चे अपने बच्चों को सिखाएंगे इस क़दर इल्म बढ़ता रहेगा तो इल्म कैसे ख़त्म हो जाएगा तो हमारे नबी ने पूछा क्या यहूद नसारा इल्म नहीं हासिल करते हैं क्या वो अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं तो हजरत जियाद बिन नबीद ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल वो भी हासिल करते हैं वो भी अपने बच्चों को सिखाते हैं तो कहा हाँ तुम भी कुरान पढ़ोगे अपने बच्चों को पढ़ाओगे लेकिन उसको समझोगे नहीं आज रटे हुए तोते की तरह से लोग कुरान पढ़ रहे हैं कुरान क्या कहता है आपने कभी मालूम किया कुरान की वो सूरत जिसको फातिहा कहते हैं जिसके बगैर नमाज ही नहीं होती है आपको सूरह फातिहा का तर्जुमा मालूम है कुरान क्या कहता है कभी आपने सोचा ये कैसी कौम है पढ़ने वाला हाफिज कुरान पढ़ रहा है पूरा कुरान रमजान में सुना देता है उसको खुद नहीं मालूम कि वो क्या पढ़ रहा है पीछे सुनने वाले हजारों की तादाद में मुसल्ली हैं इनको भी नहीं मालूम कि हाफिज साहब क्या पढ़ रहे हैं इल्म होगा अमल नहीं होगा अमल नहीं होगा लोग पढ़ेंगे कुरान लोग पढ़ेंगे हदीस अमल करोगे अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी है अमल कम हो जाएगा इल्म रहेगा, अमल कम हो जाएगा बल्कि मैं कहता हूँ फिर कह रहा हूँ मेरे भाइयों ये इल्म का दौर है ये इल्म का दौर है आज पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा है लेकिन वो इल्म जो मकसूद है वो इल्म लोगों के पास नहीं है रब की मारिफत नबी की मारिफत दीन की मारिफत जिसे वूल सलासा कहते हैं आज बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो जानते नहीं दीन क्या है आज बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो जानते नहीं हैं कि रब की मारिफत क्या है आज बहुत सारे मुसलमान हैं जो जानते नहीं हैं कि नबी की मारिफत क्या है मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी गुजारती है अपने नबी को नहीं पहचाना अपने रब को नहीं पहचाना अपने दीन की बुनियादी तालीमत को नहीं हासिल किया हमारा हाल ये है जब हम खुद नहीं जानते हैं तो दूसरों को क्या बताएंगे ये चीजें हैं जो आज इस्लाम की बदनामी का सबब बन रही है यही चीजें हैं जो आज इस्लाम की बदनामी का सबब बन रही हैं इल्म होगा अमल नहीं होगा हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तुम कहते अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस्लाम मिट जाएगा इस्लाम मिट जाएगा कैसे मिट जाएगा जैसे कपड़े पर कोई दाग लग जाता है और कपड़े के दाग को मिटा दिया जाता है फिर कपड़ा वैसे ही हो जाता है दाग खत्म हो जाता इसी तरीके से इस्लाम मिट जाएगा इस्लाम का नाम लेने वाले रहेंगे लेकिन इस्लाम का इल्म लोगों के लिए नहीं रहेगा आदमी सोएगा उठेगा तो उसके इल्म में कमी हो जाएगी यहां तक कि वक्त ऐसा आएगा कि रोजा नमाज सदका खैरात हज उमरा इसका सिर्फ नाम रह जाएगा लोग जानेंगे नहीं कि नमाज क्या है रोजा क्या है सदका क्या है खैरात क्या है हज क्या है उम्रा क्या है ये सिर्फ़ किताबों में रह जाएगा मेरे भाइयों आज इतनी बड़ी तादाद हज़ारों की तादाद में मर्द औरतें बच्चे बूढ़े जवान बैठे हुए हैं मैं अगर आपसे पूछूँ कि आप पंचवक्ता नमाज का अहतमाम करते हैं या किसी को खड़े मैं कह दूँ खड़े हो जाएँ और नमाज की कुछ बुनियादी बातें बताएँ क्या है हमारे पास इतना इल हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हम नाम के मुसलमान रह गए हैं मुसलमान घराने में पैदा हुए हमारे माँ बाप ने हमारा नाम मुसलमान रख दिया हम ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं इस्लाम मिट जाएगा और प्यारे नबी ने फरमाया एक रात आएगी अल्लाह तबार को कुरान के हरूफ को उठा लेगा कुरान के हरूफ को उठा लेगा इस्लाम खत्म हो जाएगा इस्लाम मिट जाएगा लोग दीन इस्लाम क्या है समझ नहीं पाएंगे रोज़ा नमाज सदका, खैरात इसके मसा, मसाइल क्या हैं इसका माना क्या है लोगों को मालूम नहीं रहेगा सिर्फ नाम सुनेंगे यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ज़मीन पर एक आदमी भी अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं रहेगा तो अल्लाह ताला कहेगा अब ज़मीन पर कोई मेरा नाम लेने वाला नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है क़यामत कायम हो जाएगी मेरे भाइयों क़यामत की ये छोटी छोटी निशानियाँ थीं जो मैंने आपके सामने बयान की अभी इसके अलावा और बहुत सारी निशानियां हैं जिसको कुबरा कहा जाता है बड़ी बड़ी निशानियां जो इन आने वाले जुमा के खुबे में बयान की जाएगी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तब को क़यामत के तल्ल से सही अकीदा रखने की तोफ़ी इनायत फरमाए अल्लाह हम सबको अपने अमाल को दुरुस्त करने की तोफ़ी इनायत फरमाए अल्ला हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमाए ज़मीन के किसी भी हिस्से में कहीं भी अगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है अल्लाह ताला हमारे उन मजलूमिन भाइयों की मदद फरमाए ग़ैब से उनकी मदद फ़रमाए ज़ालिमों को अल्लाह ताला कैफ्र किरदार तक पहुँचाए अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे खात्मा हो तो ईमान बिलखैर पर हो रबना तकब्बल मन्ना कांत समी उलिम वतुबलैना न कांतः तवाबरहीम बहमति का या अरहमर नामीन الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الْهَدِيثِ كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ذَلَالَةٍ وكل ذَلَالَةٍ في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعل منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاه